स्पर्धा कसा राहील ऐकूया पुन्हा एकदा राष्ट्रीय भाषेतून मिस्टर बाबू शहा यांच्या आवाजातून. हाँ तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रिवल सर ने निश्चित रूप से मेहमानों का सम्मान करना महाराष्ट्र की परंपरा है आलेला पाहुण्याचा सन्मान करायची गरज आहे. सर्व पाहुण्याचे हार्दिक हार्दिक स्वागत है. जय चरोबा सांगडे आयोजित है शिवराज ट्रॉफी. स्वराज्य ट्रॉफी देखिए हम देख सकते हैं निश्चित रूप से चलेंगे मैच की तरफ. सेकेंड राउंड का देखिए बात करेंगे यहाँ से पहला मुकाबला देखिए यहाँ से तो चलिए बात करेंगे यहाँ से जो मुकाबला जीतेगा सीधा सुपर टेन में प्रवेश कर जाएगा और टूर्नामेंट के देखिए अंतिम है कल फाइनल नाइट है बिग धमाका सुपर टेन का आपको देखने को मिलेगा. अरे चलिए भाई पहला गेंद के पर देखिए हवाई फायर किए थे लेकिन मिड विकेट पर देखिए करण मड़वी देखिए यहाँ पर मैदान की चारों तरफ करण छाए हुए हैं चाहे बल्लेबाजी से लीजिए चाहे फील्डिंग पर लीजिए लेकिन खेल देखिए 11 नहीं 12 खिलाड़ी का रहता है भाई हर खिलाड़ी अहम रहता है लेकिन जो पिछला इनिंग करण मड़वी ने खेले ना नजरे निगाह सबके उनके ऊपर है. सुनील सेठ मड़वी देखिए निखिल सेठ मड़वी देखिए इस वक्त तशरीफ रखे हैं स्वागत है आइए दादा मंच पर तशरीफ रखिए. गौधवी गौठन कहा जाए तो निश्चित रूप से बिग पैकर्स और एक अच्छे इंसान भी देखिए उसके साथ साथ क्रिकेट से अच्छा सच्चा प्यार और ये चलिए मौका दे दिया भाई यहाँ पर. आकाश टकले की बात करेंगे ना इनकी यही खासियत है भाई टीम के लीडिंग करते हैं कप्तान करते हैं और शुरुआत में देखिए ब्रेक थ्रो दिलाते हैं और पहला विकेट गिरता हुआ दो के ऊपर. तो चलिए आदरणीय रमेश पाटिल साहब सांगड़े आइए मंच पर तशरीफ रखिए. रमेश पाटिल साहब देखिए गुजारिश करना चाहेंगे देखिए हर ग्रामस्थ मंडल का साथ लेकर इस टूर्नामेंट को आगे पहुंचे हैं. तो चलिए पहला विकेट देखिए गिरता हुआ यहाँ से डीजे बाला स्वागत है आपका बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से पूरे मेहमानों का सम्मान किया गया. देखिए यहाँ पर इन प्रतियोगिता के इस टूर्नामेंट की मैं तारीफ करना चाहूंगा. सेकेंड राउंड देखिए जहां पर आपको 5 ओवर खेलने का मौका दे रहे हैं और जो कल सुपर 10 में जुड़ेंगे शायद ओवर में बदलाव हो सकता है लेकिन अभी तक देखिए बात करेंगे. अरे चलिए हवा में चीन है शॉर्ट मिड ऑन पर फील्डर हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया देखिए बैक टू बैक दूसरा विकेट दिलाता हुआ कहते हैं ना भीगी हुई सिगरेट जलेगी नहीं और ऐसा लगातार विकेट गिरने से भाई काम चलेगी नहीं. चलिए शिवा दादा आइए यहाँ पर परली टीम देखिए यहाँ से मैं वही जिक्र कर रहा था शिवा दादा से जब कॉल किया बताइए 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ और ये भी जिक्र किया कि सुबह हम परली में जुड़ेंगे लेकिन शायद अच्छा होता आज से तैयारी में आते तो साथ में निकलते थे. चलिए शिवा दादा स्वागत है सुधागढ़ पाली देखिए बड़े लंबे से यहाँ पर आए हैं. अनंत दादा बात करेंगे ना यहाँ पर परली टीम आ चुके हैं तस्वीर रख चुके हैं और बेलपाड़ा टीम भी तैयार है मुझे लगता है अगला मैच उनके बीच में खिलाया जाएगा यहाँ से. तो चलिए गेंदबाज ओ क्या बल्ले का लिया था बाहरी किनारा बल बल बचे यहां से सार्थक माली थे. सुदर्शन जी क्या लगता है आपको क्या बाहरी किनारा लिया था या बल बल बचे यहां से दो पर देखिए दो सफलता हासिल लगते हुए यहां से. चलिए शिवा दादा दलबी मगर आइए मजबूर तशीफ रखिएगा अच्छे
तो चलिए आदरणीय विश्वनाथ साडे के सबसे गुजारिश करना चाहेंगे, एक्चुअली आइए सर मंच पर तशरीफ रखिए। ग्रामस्थ मंडल से अजय चेरोबा क्रिकेट संघ सांगड़े देखिए इनके माध्यम से स्वागत है आपका। ये देखिए आखिरकार देखिए यहाँ पर स्वीप खेलने के यहाँ पर सिंगल आया, दूसरे के लिए जाएंगे और एफर्ट देखिए बहुत बढ़िया भाई लाजवाब। और सुदर्शन जी इसे कहते हैं मालिक का गाड़ी ड्राइवर का पसीना, मेहनत देखिए क्या लाजवाब है। और गौदेवी गौठन टीम को ना ये चीज उनको आगे ले जाती है, क्योंकि ये हमेशा बल्लेबाजी पे निर्भर नहीं करते हैं, गेंदबाजी पे नहीं फील्डिंग पर भी निर्भर करते हैं। और वही काम देखिए कांबी टीम का भी हमने पिछले मैच में देखे, बट गेंदबाजी के साथ साथ कैचेस भी बहुत बढ़िया अच्छा लिया गया, लेकिन अब जरूरत है उनकी बल्लेबाजी की। वर्ध विनायक देखिए कांबी टीम देखे आज से 5/2 विकेट गवाए हैं। चलिए नो टीम मीटिंग, ज्यादा समय मत लीजिए, समय का ध्यान रखना होगा। और टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए 5/2 पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ बहुत बढ़िया देखिए इस टूर्नामेंट की सजावट देखिए लगातार आज देखिए 5 नाइट और 5वां रात देखिए खेला जा रहा है। कल टूर्नामेंट का देखिए अंतिम नाइट सीरीज के लिए देखिए हम देख सकते हैं मालिका वीर बाइक और उसके साथ उत्कृष्ट फील्डर के लिए देखिए बात करेंगे आज से कुलर निश्चित रूप से। और जहां पर देखिए फर्स्ट प्राइज आप देख सकते हो 1,20,000 देखिए, सेकेंड 60, 30, 30, 30 देखिए। और इसके साथ देखिए बात करेंगे पांचों टीम को देखिए, पांचों जो टीम पर टॉप 5 में पहुंचेंगे और इन्हें देखिए साइकिल दिया जाएगा हर ग्रुप में एक। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से ग्रामस्थ मंडल जब रहते हैं ना इनकी सोच बढ़ी रहती है, एक साथ एकता के साथ और एकता में बहुत ताकत होती है भाई। एक छोटी से परिंदा भी दिखाया ये चीज, क्या बढ़िया गेंद भाई एकदम देखिए यहां पर लाजवाब देखिए यहां पर लाइन और लेन देखिए यहां पर गजब के यहां से पकड़ कर गेंदबाजी करते हुए। भूषण की बात करेंगे देखिए यहां पर छोटी रनअप से गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज देखिए आपस में बातचीत करते हुए, चर्चा होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना सोना रखने के लिए आपको लॉकर मिल जाता है, पैसे रखने के लिए बैंक मिल जाता है, लेकिन एक अच्छी टोटल तक पहुंचने के लिए यहां से क्या ये दोनों बल्लेबाज। और ये चलिए जगह पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश, कहते हैं ना मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क ये बहुत जरूरी होता है, अगर आप जगह से खेलते रह जाओगे। कल क्या मूवमेंट था सरफराज खान आपने देखा होगा, और कितना इंतजार कितने भावुक हुए थे उनके पिताजी उनकी फैमिली अंतर्राष्ट्रीय के क्या आप जैसे उनके सर पर दिया गया। उसी तरह से ग्रामीण में देखिए हर फैमिली देखिए हर गांव हर टीम चाहते हैं कि खिलाड़ी ग्रामीण में खेले और चमके। ऊपर से देखिए आज ग्रामीण के खिलाड़ी देखिए हम बिग बॉस धमाका देख रहे हैं, वो जो धमाका इतना तेजी से धमाका चल रहे हैं ना ये ओपन के खिलाड़ी पहले भी ओपन के खिलाड़ी थे, जब से ग्रामीण के खिलाड़ी जुड़ गए ना तब से ये ओपन का जो धमाका है ना बड़ा बढ़ गया भाई। मैदान पर लीजिए चाहे मैदान के बाहर व्यूअर्स लीजिए बढ़ गए, अगर सांगड़े से खिलाड़ी जाकर ओपन खेलता है तो फिर पूरी सांगड़े गांव भी देखेंगे ना भाई ओपन का मैच, तो कारण यही रही है। क्या गेंदबाजी आकाश टकले देखिए थोड़ी सी मुस्कुराते हुए। और इस वक्त देखिए बात करेंगे ग्राम पंचायत सदस्य हैं देखिए समाज में कदम रखने के साथ साथ और फिटनेस भी बहुत बढ़िया देखिए फिटनेस को बहुत अच्छे ध्यान दिए। चलिए पर सुनील सेठ मंडवे देखिए निखिल दादा उनके साथ देखिए पूरी यहाँ पर अतुल सेठ मंडवे देखिए ओपन की टीम जब आती है गौदेवी गौठन कई खिलाड़ियों को ग्रामीण से लेकर जाकर करण मंडवे के साथ साथ तैयार किए। ओ क्या बढ़िया क्या देखिए पर लिए नजरे आखिरी समय तक रहे भाई तीसरा कैच लेते हुए फील्डर की बात करेंगे संचित टकले देखिए बात करेंगे फील्डर थे भाई और बढ़िया कैच भाई। कहते हैं ना कुदरत हर किसी को हीरा बनाया है, जो जितना चमके जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। किस्मत भी देखिए क्या चीज है, मुलाकात से पहले मुलाकात कर लेती है, इसलिए किस्मत के आगे किसी का जोड़ नहीं। लेकिन कहते हैं ना कुछ चीज मेहनत से भी होता है, जिस तरह के यहाँ पर देखिए इस टूर्नामेंट में जय चरवा क्रिकेट संघ सांगड़े अणी ग्रामस्थ मंडल जो उन्होंने मेहनत ली है भाई यहाँ से मेहनत के दाग देने चाहेंगे यहाँ से, आसान काम नहीं था। कहीं सारे टीम देखिए आज पीछे हटे उसके बावजूद देखिए यहाँ पर टीम को इकट्ठा किए गेंदबाज हल्के हाथों से यहाँ पर गेंद को खेलते हुए यहाँ से और मैडन ऊपर देखिए बात करेंगे और विकेट उसके साथ है
छठा मैडम दोबारा एक बार तालियां बजनी चाहिए भाई। सुदर्शन जी आपका भी प्रदर्शन लाजवाब है, क्या रिकॉर्ड आप देते हो यहाँ पर इस टूर्नामेंट का। छठा देखिए यहाँ पर मैडम दोबारा विकेट देखिए, और गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं जय चिरवा सांगड़े टीम। देखिए जब मैदान पर उतरते हैं ना वो बल्लेबाजी से ज़्यादा उनकी गेंदबाजी अहम रहती है। बहुत सारी टूर्नामेंट है गेंदबाजी की ताकत से जीतते हैं, इतिहास गवाह है भाई। इसलिए तो कहा जाता है मारने वाले से बचाने वाले को बड़ा माना जाता है हमेशा। हर्षित की देखिए बहुत गेंदबाजी हम देखते नहीं, निश्चित रूप से आशीष है खास करके। और मुझे लगता है आने वाला वक्त भविष्य के ये बड़े सितारे आगे जा सकते हैं अगर मेहनत ऐसा रहा तो। शायद ओपन का दरवाजा देखिए ज्यादा समय नहीं रहता है आजकल, आज ग्रामीण के खिलाड़ी देखिए सब ग्रामीण से खेल कर रहे हैं। इसलिए तो कहता हूँ इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है, ग्रामीण में चमक जा बेटा तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। आज हमें भी देखिए बात करेंगे अनंत दादा, जिस ग्रामीण में मौका मिला था आज। हाँ तो चलिए ये देखिए आयोजक कमेटी बता रहे हैं भाई थोड़ा स्पीड अप कीजिए अनंत दादा। कभी कभी ऐसा होता है कि टीम को लगता है कि कॉमेंटेटर गाई कर रहे हैं जल्दी उन्हें सोने का है। बहुत सारे टूर्नामेंट में ऐसा हुआ है कि अंपायर कमेंटेटर घाई करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आयोजक कमेटी देखिए इतना उन्हें समय पर आकर पहुंचना पड़ता है, भला हम देखिए आधा घंटा एक घंटे बेफिक्र आए, भला ही ट्रैफिक लगे कुछ भी रहे कारण कुछ भी रहे, लेकिन आयोजक कमेटी देखिए डे नाइट देखिए लगभग देखिए शाम 4 बजे आज थोड़ा सा देखिए लेट खिलाया गया मैच है। बहुत सारे टीम देखिए पीछे हटे और उस टीम का एडजस्टमेंट किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और आयोजक कमेटी के ऊपर पूरी से देखिए दबाव रहता है, समय पर आना, समय पर मैच, हर चीज कंप्लीट करके जाना पड़ता है, फिर आने वाला दिन कैसे तैयारी रहेगी उसकी तैयारी करके भी जाना पड़ता है। ओहो ये देखिए स्विच इट, क्या बात है, क्या धड़ाका लगाते हो यहाँ पर। इसे कहते हैं 13 का फूल 17 का माला, झुकेगा नहीं साला बुरी नजर वाला ठोक डीजे वाला। पांच रिवर्स से छक्के लागने वाले सुदर्शन जी, आपके माइंड की तारीफ करना चाहूंगा। एक भिवंडी में देखिए कंप्यूटर कमेंटेटर आप देखते होंगे सुभाष धुमाल सर, उनकी अपडेट रहती है कई सारे ग्रुप में। और ये चले भाई आजकल देखिए लग भाई शो रन कैसे भाई टीम के लिए मायने रखता है यहाँ पर संतोष पवार सर। देखिए बात करें क्या नजरे निगाह देखे भाई, इन अंपायर ने भी अपना कद बढ़ाए भाई। हाँ ये देखिए बॉडी से जाकर टच होकर अपने सीने से ईट होकर गेंद चौका आता है, रन कैसे भी आ जाए आना बहुत जरूरी था। ऐसे कहते ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, और जिंदा रहने के लिए एक अच्छा इनिंग का जरूरत है। और जिसमें देखिए सचिन कुरुंगले देखिए अभी तक गया भलाई लिख पाई से देखिए चौका आया, लेकिन टीम के देखिए रन जुड़ता हुआ 15 रन। पिछला मैच दिख लीजिए जहां पर गौठन टीम ने 45 के टारगेट को मुझे लगता है 5वें ओवर तक मैच को जाने ही नहीं दिया, 4वें ओवर में कंप्लीट कर दिए थे 10 गेंद रखते हुए। अरे चलिए भाई यहां से बात करेंगे एक डॉट गेंद निकलता हुआ रिवॉल सर बात करेंगे अनंत दादा, निश्चित रूप से आज माफी चाहेंगे दादा। इसलिए देखिए एरोप्लेन में क्या होता है दोनों जो ड्राइवर को रहते हैं ना अलग अलग खाना खिलाया जाता है, क्योंकि अगर खाना में गड़बड़ी हो ना एक चालक को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, दूसरा चालक वो एरोप्लेन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और क्या हो गया हम एक गाड़ी में दोनों कॉमेंटेटर रह गए, शायद हमें अलग अलग गाड़ी से आना चाहिए था। एरोप्लेन में देखिए जो चालक रहते हैं ना पायलट पे देखिए उन्हें अलग अलग खाना दिया जाता है दोनों को, भला पता है आपको ये चीज बहुत कुछ हमें पढ़ाई करना पड़ता है, अगर पहले ये पढ़ाई कर लेते तो अच्छा और कहीं पहुंचते। और ये चले भाई यहाँ पर शॉर्ट लेग पर फील्डर है यहाँ पर, ओ ये चले भाई थोड़ी सी गड़बड़ी छोटी छोटी गलती यहां से कीमत चुकाना पड़ेगा भाई। आज देखिए हर टीम ने भी सामना किए, कौन का ट्रैफिक कौन गाँव से बहुत बड़ा लगा था सुदर्शन जी आपने पतले गली से आगे बाइक था, इसलिए कभी कभी कहते हैं ना फोर व्हीलर से बाइक भी रहना बहुत जरूरी है शाम के समय। 19 पर देखिए यहां से 3 विकेट गवाए हैं और 3 ओवर कंप्लीट हुआ है। तो चलिए यहां से बात करेंगे 3 ओवर कंप्लीट हुआ है, 3 विकेट गवाए हैं, 19 रन देखिए अभी भी 12 गेंद बचा है भाई। कहते ना रख भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, परिंदों के पास कहां होते हैं नक्शे फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते।
सुदर्शन जी मैं कहूंगा अगर यहाँ पर एक अच्छा टोटल तक पहुंचना है ना, ये वाइड लेग पाए बाय इससे नहीं पहुंच सकते हैं, बल्ले से मेहनत करना होगा भाई। जैसे कहते हैं ना, दूसरे के महलों में गुलामी करने से बेहतर खुद के झोपड़ी में राज करो। जो बल्ला आपके पास है ना, उससे आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। बहुत बढ़िया, देखिए आपसे बात करेंगे। चलिए आशीष जी पाटिल देखिए, भाई बोजी पाटिल निश्चित रूप से, रोशन जी पाटिल देखिए, गुप्त को चर्चा चलता हुआ यहाँ पर डॉट के निकलता हुआ, रमाकांत जी पाटिल देखिए बात करेंगे, आनंद दादा के साथ यहाँ पर, क्योंकि टूर्नामेंट देखिए आखिरी समय में आ चुका है, कल अंतिम नाइट रहेगा, अंजाम तक आ गए हैं, बड़ी शान सौरभ से देखिए यहाँ से, और ये एकता की ताकत है देखिए, तभी इतनी आसानी से देखिए इस टूर्नामेंट को सफल बना रहे हैं और कामयाबी शोर मचा रहे हैं। और हमारे सुधीर देखिए जी बात करेंगे ना, कप्तान है ना, चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, अगर सामने वाला कोई टीम है अगर किसी टूर्नामेंट में लेट पहुंचते हैं ना, सुधीर जी की मुस्कान देकर 2 रन पेनल्टी कम हो जाती है, बड़े प्यार से जाते हैं, होते हैं सुधीर जी हर किसी के लिए, बड़े शांत इंसान है निश्चित रूप से, बड़ा अच्छा लगता है। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहां से 20 रन, और जय चरुआ सांगड़ी टीम की बात करेंगे ना सुदर्शन जी, एक चीज मुझे बड़ा अच्छा देखने को मिलता है, ये मैदान में कभी तूतू मेमे अंपायर से लीजिए क्या किसी टूर्नामेंट में लीजिए, इन्होंने झगड़े भी साथ इनकी मैं कभी भी देखा नहीं है, जो भी डिसीजन रहता है ना, गलत हो सही हो या कुछ भी हो, चाहे आज कमेटी कुछ पेनल्टी दे दें देर से, लेकिन बड़ी आसानी से मानकर खेल लेते हैं, इन्होंने एक क्रिकेट की अच्छा भावना दिखाई इन्होंने टेनिस क्रिकेट में, ये बहुत बड़ी कामयाबी है निश्चित रूप से सुधीर जी आपकी पूरी टीम का, मैं भी आज इज्जत करता हूँ इन चीज़ों का क्योंकि मैं पिछला 10 सालों से जुड़ा हूँ सुदर्शन जी, बड़ा क्रिकेट का अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं तभी तो आज सफल टीम है। और ये चलिए यहाँ पर सफल बनना भी यहाँ भी जरूरत है, यहाँ पर रनों की तलाश थी भाई, रख भरोसा खुदी पर क्यों ढूंढते हो परिश्ते, राता हुआ 4 रन। चौबीस तक पहुंच गए भाई, कितनी जल्दी देखिए 24 ये अपडेट होता हुआ, हम स्कोरर के पास मुझे लगता है नज़र लगाने से पहले देखिए स्क्रीन पर आ जाते हैं वो अपडेट, यही खासियत है 24 लाइव की देखिए, इसलिए कम समय में इन्होंने अच्छी कामयाबी की, मंजिल तक पहुंचे हैं भाई। और निश्चित रूप से भाई बात करेंगे अपरा 25 पर देखिए 3 है, 25 पर 3 देखिए 4th ओवर चलता हुआ, और अभी तक देखिए सचिन कुरंगले देखिए अच्छी बल्लेबाजी करें, थोड़ा समय कहूंगा विदेश देखिए कुरंगले, इन्हें थोड़ा साथ देना होगा भाई। चलिए अगले मैच के लिए दोनों कप्तान तैयार रही यहाँ पर, परली बेलपड़ा के बीच में देखिए 4th ओवर चल रहे हैं, इनिंग ब्रेक में टॉच किया जाएगा, चलिए रिबॉल मात्री सर थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अरे चलिए विकेट, यही तो बात कर रहे थे भाई, सचिन कुरंगले का साथ नहीं दे पा रहे कोई बल्लेबाज, जब जब एक साझेदारी बनती है और इस साझेदारी को तोड़ने में यहां पर गांव देवी गांव टीम कामयाब होते हुए। कॉम्बेट टीम के लिए देखिए ये थोड़ा दिक्कत बनते जा रहा है, साझेदारी नहीं बन पा रहे हैं, सुनील सेठ मंडी भी देखिए बड़े खुश रहेंगे निश्चित रूप से, पूरी उनके देखिए मैनेजमेंट निखिल जी भी उनके साथ निश्चित रूप से, और स्कोर देखिए 25 पर हुई है, 4 विकेट गंवाए हैं, बहुत अच्छा स्थिति पर है। चलिए हमारे अकाजी टकले देखिए बात करेंगे, लंबी समय से कप्तानी करते आ रहे हैं, मैंने जब से कॉमेंट्री का शुरुआत किया था तभी से देखते आ रहा हूँ, न जाने उनसे कितना साल पहले 12 खिलाड़ी के पास पहुंचेंगे तो वो बताएंगे निश्चित रूप से। और जब से देखिए आकाश टकले ने क्रिकेट में पैर रखे हैं और एक जब से उन्होंने एक अच्छे खेल प्रदर्शन के साथ साथ दिल जीता गौठन का, फिर कप्तान बने और लंबे समय से कप्तान कर रहे हैं,
हल्की हाथों से देखेगी इनको खेलता हुआ। अच्छा सोचे यहाँ पर हम सचिन कुरंगले को जितना स्ट्राइक दिया जाए, लेकिन अच्छा सोचे क्योंकि अंतिम गेंद था, दो रन लेंगे तो सचिन कुरंगले स्ट्राइक पर रहेंगे। कहती ना हमेशा आपको बड़ी जीत हासिल करने के लिए कोशिश नहीं, कभी कभी साजिश की जरूरत होती है, और ये एक साजिश थी। दो रन आता हुआ स्कोर देखिए जाकर पहुंचाए 27 रन। अब 6 गेंद बचाए भाई, अब 6 गेंद के पर कहते ना कौए की चोंच मारने से पहाड़ में सुराख नहीं गिरता है, अब थोड़ा सा बड़ा बुलडोजर लगाना पड़ेगा। अंतिम 6 गेंद के पर डीजे एमआईडीसी तलोजा। देखिए हम करीब से आते हैं, बाला हमें पता नहीं था आप यहाँ पर रहे हो, नहीं तो साथ में आ जाते थे। तो चलिए अभी 6 गेंद बचा हैं। सुदर्शन जी कहते हैं ना ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है, यकीन ना आए तो हवाई जहाज को देख लीजिए। तो पहले जमीन में आपको भागना पड़ेगा, तब ऊंची उड़ान भरना पड़ेगा। दो रन देखिए भाग कर लिए यहाँ पर, अब देखते हैं ऊंची उड़ान की पारी आई है और क्या ये काम कर पाएंगे। शाम अभी जिंदा है, रात अभी जिंदा है, दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है, जब तक सचिन कुरंगले जिंदा है। 8 गेंद 15, लेकिन देखते हैं सुपर को अंकुश टकले भाई रिवर्स स्विच हिट से, देखिए ये काम इससे नहीं बन सकती है। आप गली के रास्ते से तुरंत नहीं पहुंच सकते हो, आइयो पकड़ना पड़ेगा आपको, तेज रफ्तार पकड़ना पड़ेगा। शायद आजमाइश किए थे आगे अपील, देखिए तेज भाई अच्छा हुआ हम भी थोड़ा शांत हैं, नहीं तो मौसम तो बेमान होता है, लेकिन कभी कभी अंपायर के ऊपर भी टूट जाते हैं और अंपायर भी कभी कभी मुश्किल में आ जाते हैं जब आवाज उनके कानों तक रहे। ये सब चीज़ें हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है। चलिए फिर से एक बार तैयार, छोटी रनअप के साथ और फील्डर देखिए ऑन साइड पर एकदम दीवार खड़े कर दिए भाई। देखिए 4 फील्डर ऑन साइड पर भाई, अंबुजा सीमेंट से जैसे कहते ना दीवार खड़े करते हैं, तो वो दीवार खड़ा कर दिए भाई बॉर्डर पर एकदम, कहते हैं ना सेना तैयार रहते हैं, जैसे हमारे देश के सेना असली हीरो रहते हैं और उन्हें देखिए इस तरह से तैयार किए हैं। ऑफसाइड पर देखिए एक फील्डर से जो बाउंड्री लाइन के, मुझे लगता है वो लॉन्ग ऑफ देखे सीधा एकदम रखा है भाई, कितनी सोच कितनी है देखिए यहाँ पर। अंकुश टकले देखिए गेंद को अंदर भी ला रहे हैं भाई, और यहाँ पर मौका बना भाई, यहाँ पर लीडिंग एज लेकर गया और आखिरकार देखिए चौका देकर जाता हुआ। चलिए भाई बात करेंगे यहां से 32 पर देखिए 4, अब 2 गेंद बचा है, एक भी बड़ा हिट आ जाए ना फिर एक लो फाइटिंग टोटल की तरफ पहुंच सकते हैं। कंपनी टीम की देखिए गेंदबाजी हमने देखे, बहुत अच्छी गेंदबाजी है, अगर करण मणबी को शुरुआत में रोक लेना सुदर्शन जी तो फिर मैच बना सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपको 40 के आसपास तो पहुंचना जरूरी है। और हम एकाध खिलाड़ी से मैच जीतते नहीं है, पूरी टूर्नामेंट जीतते हैं ना 11 खिलाड़ी का। और बहुत बढ़िया ओवर स्पिन निकाल दिया, पर दूसरे के लिए भागेंगे यहां पर और दूसरा रन शायद कंप्लीट। 2 रनों के साथ देखिए कुल स्कोर जाकर पहुंचा है 34 रन, जीत के लिए 35 की जरूरत है। कहते हैं ना यहां पर टारगेट तो छोटा कहा जाएगा, लेकिन छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना भाई, क्या बचा पाएंगे या करण मड़बी की तूफानी पिछले मैच में 38 रनों का इनिंग्स मैन ऑफ द मैच बने थे। लेकिन ये क्रिकेट है दोस्तों, हर मैच में हीरो बनना इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन वक्त अच्छी हो तो फिर हर मैच क्या भाई, हर गेंद पर आप हीरो बन सकते हो, अगर वक्त बुरी हो तो भाई फिर आप किसी भी गेंद में जीरो बन सकते हो। तो निर्भर करेगा भाई, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेले। चलिए टॉस के लिए यहाँ पर पल्ली टीम के कप्तान, बेलपड़ा टीम के कप्तान आइए टॉस किया जाएगा। अच्छा पर मैच की बात करेंगे, मैच नंबर 3, क्योंकि जहां से देखिए पल्ली टीम थोड़ा सा आने में वक्त लगा, कोई बात नहीं, जिसके कारण देखिए सेकेंड राउंड का यहाँ पर मैच खिलाया गया। तो चलिए अब दोनों कप्तान टॉस किया जाएगा, इनिंग ब्रेक है। बेलपड़ा देखिए
अरुण जी दादा देखिए निश्चित रूप से उन्होंने भी यहाँ पर तशरीफ रखे थे। शिवा दादा थलबी देखिए बात करेंगे, पूरी पहली टीम देखिए यहाँ से कैसे देखिए परली पर देखिए ढीप प्रतियोगिता शुरुआत आगाज हो जाएगी निश्चित रूप से। और आज इससे पहले देखते हैं यहाँ से बहुत बढ़िया देखिए सुधागढ़ प्रीमियर लीग भी खेला जाता है परली पंचायत प्रीमियर लीग निश्चित रूप से। चलिए दोनों कैप्टन क्यों देर हो रही है भाई, टॉच के लिए आइए भाई। चलिए अनिल दादा कोहली देखिए हमेशा एक ही 47 के गोले क्या दादा, लंबे समय के बाद मुलाकात हुई ना बहुत बढ़िया देखिए अच्छी कमेंट्री भी कर लेते हैं अनिल दादा की बात करेंगे। सुधागढ़ प्रीमियर लीग पंचीपुरा देखिए रोहन दादा दूसरी तरफ से दो देखिए बड़े हथियार टॉच के लिए, टॉच के लिए गुजार रिवोल्सर टॉच करके लीजिए तीसरा मैच के जहाँ पर है और उसके साथ कॉमेंट्री बॉक्स पर जुड़ जाएंगे रिवोल्सर परली बेलपाड़ा के बीच में। चलिए पांच ओवर का मैच है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पर पांच ओवर। आदरणीय सांगडेगावचे आमचे उपसरपंच प्रवीण पाटील यांना मी विनंती करतोय, प्रवीण पाटील आपण याव। प्रवीण पाटील यांच्या शुभहस्ते हा टॉस केला जाईल बेलपाडा विपक्ष परेल। प्रवीण पाटील यांच्या शुभहस्ते हा टॉस केला जाईल। आमचे उपसरपंचांच्या शुभहस्ते हा टॉस झालाय, प्रवीणजी पाटील यांच्या शुभहस्ते अर्थातच परली टीमनं टॉस जिंकलाय। परली टीम तुम्ही आम्हाला निर्णय कळवा लगेच। रोहन कडो बेस्ट ऑफ लक, दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा, दोन्ही टीम्सना देऊया शुभेच्छा। मॅच सुरू आहे विनर वर्सेस विनर, वर्द विनायक कांबे विपक्ष गावदेवी गावठाण। आज तर पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त झाला, एकूण धावसंख्या जर आपण पाहिल्या तर 35 संस्कार स्पोर्ट्स गावदेवी गावठाण असा आज आपण या दिवसामध्ये मॅचला खरं तर संघाला खेळताना पाहायला मिळेल। मॅचचा आनंद घेताना गावदेवी गावठाण टीमला सपोर्ट करताना सुनीलजी मडवी विनायक मडवी आणि महेश मडवी आमचे एक वरिष्ठ ज्येष्ठ या गावठाण गावातील सर्व बिग सपोर्टर्स करूया स्वागत 35 धावांचं आव्हान। चलिए प्रवीण पाटील साहब के हाथों से देखिए बात करेंगे, प्रहलाद गायकोड साहब का देखिए सम्मान किया जाएगा। चलिए मैच की तरफ चलेंगे रिवर्सर प्रवीण पाटील साहब देखिए इनके शुभ हाथों से प्रहलाद गायकोड साहब का सम्मान किया जा रहा है और ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। नक्की सन्मान करूया आणि मॅचला करूया सुरुवात। पहिला बॉल हलकासा डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक बघा सुरुवातीपासून करण मडवीनं अगदी तंत्रशुद्धपणा संयमी खेळी सुरू केली आहे। पहिल्या बॉलवर एक सिंगल प्रल्हादजी गायकवाड यांचा इथे शुभ सन्मान आपण पाहतोय। आमचे उपसरपंच प्रवीण पाटील यांच्या शुभहस्ते प्रल्हाद साहेब तुमचं मनापासून हार्दिक स्वागत। खूप चांगली मॅच अतिशय पाहतोय, लो स्कोरिंगचा सामना आहे परंतु जरी लो स्कोर असला ना तरी मी म्हणेन कांबे टीम प्रयत्न करेल, शर्तीचे प्रयत्न प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल आणि त्यांच्या समोर गावठाण टीमचे करण मडवे आणि अंकुश टकले। अंकुशनं देखील अगदी हलकंसं स्टेअर केलंय सिली मिड ऑफकडे, सुरुवातीपासून बघा पॉवर प्लेमध्ये त्यांनी पवित्रा उचलला नाहीये, कोणत्या प्रकारे धोका पत्करायचं नाही, धावा येणं गरजेचं आहे
परंतु अशा परिस्थितीमध्ये एखाद्या खराब बॉलवर देखील पॉवर प्लेमध्ये प्रहार करावा लागेल. जर डिफेन्स करत असताना, स्टेअर करत असताना, सिंगल 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 करत मॅच मग शेवटपर्यंत गेल्यानंतर थोडासा त्रास होऊ शकतोय. परंतु अशा परिस्थितीमध्ये गोलंदाजांचं कौतुक करूया, जी पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी करत असताना ऋषिकेश कुरंगळे. चेंडू पुन्हा एकदा बघा, बॅटच्या प्रॉपर पट्ट्यात आला नाहीये. करणच्या सिली मिडॉनला सिंगल मिळाले. तीन बॉलवर तीन धावा आल्या आहेत, तीन बॉलवर तीन धावा आल्या आहेत. संघाची धावसंख्या 3-35 लक्ष आहे. सुदर्शन पाटील आमचे गुणलेखक तारागावचे डे नाईट खूप मेहनत घेत आहेत आणि 10 ते 15 पेन त्यांच्याजवळ असतात वेगवेगळ्या रंगाचे. खूप चांगलं गुणलेखन. धावपुस्तिका त्यांची जवळजवळ 500 पानांची धावपुस्तिका आता भरत आली आहे. सरळ अगदी पुन्हा एकदा सरळ पाटने केल्याचा प्रयत्न केलाय. पुन्हा 1 रन्स, 4 बॉलवर 4 धावा. अशी एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय. गोलंदाज ऋषिकेश कुरंगळे पुन्हा एकदा त्याच दिशेनं केलंय. काय कमालीची गोलंदाजी बघा. पॉवर प्ले मध्ये ऋषिकेशची अगदी पाहण्यासारखी जबरदस्त गोलंदाजी. जनाजी कुरंगळे आज आपण पाहतोय. खरं तर कुरंगळे ब्रदर्स मोठ्या प्रमाणात प्रवीण साहेब असतील. खरं तर आज कांबे टीमला सपोर्टिंग करण्यासाठी गावदेवी गावठाण संस्कार स्पोर्ट्स या संघाच्या विरोधात वरद विनायक कांबे संघ, गणपती बाप्पांचं नाव वरद विनायक. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न अंकुशने केला, माघारी परतवलंय करण. करण योग्य निर्णय घेतलाय बघा, कारण पुढल्या ओव्हरमध्ये करणला स्ट्राईक घ्यायची आहे, त्याचबरोबर विकेट देखील सेफ ठेवायची आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये 6 बॉल समाप्त झालेत पहिला ओव्हर आणि संघाची धावसंख्या 5, येणारे 24 बॉल आणि आता जिंकण्याकरता 30 धावा. शिवकाळात डीजे मास्टर बाला आमचे खूप चांगले संगीत तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. बघा, शिवकाळात आमची प्रजा सुखी होते. खरं तर नव्हते संविधान, नव्हता आरक्षण, नव्हता कायदा, नव्हते आमदार, नव्हते खासदार, नव्हते सरपंच, नव्हते उपसरपंच, तरी देखील आमची प्रजा सुखी होती. कारण सिंहासनावर राज्य करत होता शिवछत्रपती शिवाजी राजा. बोला शिवछत्रपती शिवाजी महाराज की. हेच करायचे आहे, हीच ऊर्जा निर्माण करायची आहे. कारण माझा राजा देव नव्हता. आज लाखो मंदिरामध्ये आपण देव पाहतो, हे सारं कर्तृत्व माझ्या राजाचं आहे. बघा, अफजल खान ज्यावेळी आला, सर्व देवळं उद्ध्वस्त केली, आया बहिणींची अबरू लुटली. आणि याच अफजल खानाचा कोथला कोणी फाडला, कोणी बाहेर काढला, तर माझ्या राजानं. हा इतिहास आज काळाची गरज आहे तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याची. खूप चांगलं संगीत टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून. जय चोरोबा क्रिकेट संघ सांगडे, ग्रामस्थ मंडळ सांगडे. खरं तर ही क्रिकेट स्पर्धा आहे, परंतु या स्पर्धेच्या माध्यमातून शिवरायांचा इतिहास देखील तुम्हाला माहीत असणं फार गरजेचं आहे. खूप चांगलं संगीत डीजे मास्टरनं वाजवलंय. जाऊया बॅक टू क्रिकेट. पहिला ओव्हर समाप्त झाला. पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त अवघ्या 5 धावा लागल्या आहेत आणि आदरणीय योगेशजी पंडित यांचं इथे आगमन झालं. युवा कार्यकर्ते योगेश पंडित, मोस्ट वेलकम, स्वागत आहे. सेकंड ओव्हर फर्स्ट बॉल. मात्र बघा, करण स्ट्राईक का घेतली याचं उत्तर तुम्हाला मिळेल. करण ठोकलेला हा दर्जेदार गावठाण ब्रँड सिक्सर. नक्की सुदर्शन, खरं तर भाऊ कदम हा देखील बघा, एखाद्या चांगल्या हिरोणीसमोर त्यानं डान्स केला. म्हणजे बघा, तुमच्याकडे तुम्ही कसं आहात माहीत नाही, पण तुमच्याकडे जर कला असेल ना, तर त्या कलेचं नक्कीच
आज वाव करणं किंवा त्या कलेचा दर्जा काय असतो ते तुम्हाला माहीत असेल. तशाच पद्धतीनं टेनिस क्रिकेटमध्ये तुम्ही चांगलं खेळलात ना तर लगेच तुम्हाला हे प्रेक्षक खांद्यावर उचलायला देखील कमी करत नाही आहे. आणि तेच प्रेक्षक कधी तुम्हाला खांद्यावरून खाली पाडायला देखील कमी पडणार नाही, कारण तुमच्याकडे कला असणं सुदर्शन फार गरजेचं आहे. करण माडवीनं ठोकलेला दर्जेदार षटकार धावसंख्या 11 सेकंड ओव्हर सार्थकचा करण माडवी जबरदस्त टोलेबाजी, बॅक टू बॅक दोन षटकार ठोकतोय आणि सांगतोय आता मी मात्र थांबणार नाहीये. करण माडवीचं वादळ झुंजावत असताना या सांगडे नगरीमध्ये येतोय बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. दैवत छत्रपती जय शिवराय, जबरदस्त संगीत आणि करण माडवी एका बाजूला काय लढतोय. शिवरायांसारखा जसं आपण पाहिलं ना मावले लढायचे तसा हा लढतोय. आणि याच करण माडवीने जर तिसरा षटकार बॅक टू बॅक ठोकला ना तर गावटाणगावचे आदर्श व्यक्तिमत्व सुनीलदादा माडवी यांच्याकडनं 2000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल. सुनील माडवी आता मोटिवेट करतायत, सुनील माडवी आहेत या मैदानावर आपल्या खेळाडूंचा खेळ पाहण्यासाठी प्रोत्साहन करण्यासाठी. बॅक टू बॅक 3 षटकार मारण्याचा प्रयत्न, इट्स अ ग्रेट हिट. करण माडवी बॅक टू बॅक ठोकतोय या स्वराज्य चषकातले दर्जेदार 3 षटकार. मावल्यांनी स्वराज्य निर्माण केलाय, परंतु इथे बाबूशा ज्या करणचा आपण उल्लेख केला होता की मागच्या मॅच मध्ये 6 बॉलमध्ये 6 षटकार ठोकणारा हाच करण माडवी ओपन स्पर्धेमध्ये ते देखील, आणि तोच करण माडवी आता याच मैदानावर 3 षटकार ठोकतोय बॅक टू बॅक. ही ओळख आहे, मूर्ती लहान आणि कीर्ती महान हा गावटान टीमचा छोटा पॅक बडा धमाका आहे. पहिला फलंदाज आहे ज्यानं या मैदानावर करिश्मा केलाय. चौथा मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु गोलंदाजानं सार्थक मालीनं थोडा कमबॅक केलाय. आता गरज आहे ती फक्त 12 धावांची. येणारे 20 बॉल 12 धावा. सुदर्शन पाटील यांनी आम्हाला सांगितलं की 6 गोलंदाजांनी मेडन ओव्हर फेकलेत, 6 गोलंदाजांनी. बाबूशाने मगाशी खूप चांगलं समालोचन तुम्ही त्यांचं ऐकलात. त्यांनी सांगितलं की अगदी 6 गोलंदाजांनी गोलंदाजी अप्रतिम केली आहे, परंतु इथे बघा काय पंचिंग केली आहे, काय एक्झिक्युटिव्हपणा आहे. करण माडवीचा हा लॉंग ऑफ त्या दिशेनं आलेला हा चौकार. वाघशिव्वा स्वराज्याचं देखणं स्वप्न जिच्या कुशीत पाहिलं ती राजमाता जिजाऊ मातांना देखील मानाचा मुजरा या स्पर्धेच्या माध्यमातून करूया. 8 धावांची गरज. पुन्हा एकदा करण अगदी ऑर्थोडॉक्स लॉंगॉनकडे गेलाय, कॉर्नरचा क्षेत्ररक्षक आलाय, सिंगल मिळाली आहे. फक्त 7 धावांची गरज आहे येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये 7 धावांची गरज. सुनीलजी माडवी यांनी पारितोषिक लावलं बघा करण माडवीला. बाबूशी आपण म्हटलं ना की करण ज्या पद्धतीनं सुनीलजी माडवी मैदानावर येत असतात या गावटण टीमला खूप चांगलं त्यांचं प्रोत्साहन असतं. मग विनायक माडवी असतील, महेश माडवी असतील, आज पूर्णपणे ते सर्व ग्रामस्थ या खेळाडूंना प्रोत्साहित करतायत. निखिल माडवी असतील. आणि बाबूशी आम्ही ज्यावेळेला टेनिस क्रिकेट खेळायचो ना या गावटण गावामध्ये जात असताना त्यांचेच वडील सुनील माडवी यांचे शांताराम माडवी अगदी सर्व खेळाडूंना जेवणाची व्यवस्था देखील करायचे त्या काळात 15-20 वर्षापूर्वी. आणि ती व्यक्ती अशी आहे की त्यांनी हृदयात आमच्या स्थान निर्माण केले. ओवळे गावातील जेवढे जेवढे खेळाडू आहेत ना सर्वांच्या हृदयात स्थान करणारे शांताराम, स्वर्गीय शांताराम शेठ माडवी. आणि आज त्यांचे सुपुत्र सुनीलदादा माडवी आज या व्यास खरंतर मैदानावर उपस्थित आहेत. विनंती असेल त्यांना की आपण व्यासपीठावर यावं, कारण तुम्ही टेनिस क्रिकेटसाठी जेवढं करता ना त्याबद्दल तुमचं मी नक्कीच आवर्जून या स्पर्धेच्या माध्यमातून उल्लेख करतोय की आपण व्यासपीठावर यावा. सांगडे गावामध्ये ही स्पर्धा, कारण सांगडे संघ देखील टेनिस क्रिकेटचा खूप चाहता आहे. सांगडे गाव म्हटलं ना तर सगळ्या राजकीय चपला बाजूला, किती राजकारण असू द्या
परंतु सुदर्शन या गावांमध्ये टीम कधीच म्हणजे डिस्ट्रीब होत नाही आहे, राजकारण कधी टीममध्ये येत नाही आहे, एकत्रपणे येतात, चांगले खेळत आहेत, सुधीर असतील, वैभव असतील, अनेक खेळाडू आहेत या संघामध्ये, राजकारण आणत नाही आहे, म्हणून तो हा संघ एकजुटीनं अजूनही खेळतोय. अनेक स्पर्धेमध्ये एक टीम एक गाव, चांगले गाव आपल्याला पाहायला मिळत आहे. हा फुलरलेनचा बॉल खूप चांगला फटका केलाय करणनं, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू दन 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 करत जातोय, चार धावांसाठी चौकार. फक्त आता जिंकण्यासाठी गरज आहे ती म्हणजेच आपण पहिले तर अवघ्या तीन धावांची, ओनली थ्री रन्स फॉर विन, फक्त तीन धावा. षटक सुरू आहे, आपण पाहू शकाल तिसरं, पाच षटकांचा मॅच म्हणजे तिसरा मॅच असेल सुदर्शन वन साईड एक तर्फी. आणि नेक्स्ट मॅच चला आपण बेलपाडा आणि पर्ली संघ तुम्ही रेडी राहा, तीन धावांची गरज. करण मळवीनं हा हलकासा खेळला, एक सिंगल मिळाली आहे. मगाशी देखील बघा याच जोडीनं नॉट आऊट केली गेली आहे. कोणत्याही प्रकारचा खेळाडू बाद होत नाही आहे. 46 धावांची अप्रतिम पार्टनरशिप मागच्या मॅचमध्ये, म्हणजे बाकीचे गावठाण टीमचे जे खेळाडू आहेत ते वाट पाहत आहेत की आम्हाला बॅटिंग कधी मिळेल. गरज नाही आहे बॅटिंगची, गरज नाही, आम्हाला मॅच जिंकणं महत्वाचं आहे. किशोर मडवी सांगतायत की आम्हाला मॅच जिंकायची आहे, आम्हाला बॅटिंग नको आहे. आणि अवघ्या दोन धावांची गरज असताना ही एक डाव लेगबाईच्या स्वरूपात मिळाली. अंकुश टकले आणि करण मडवी या दोन फलंदाजांचे जोडे आपण पाहतोय. आणि याच दरम्यान संतोषजी म्हात्रे, नितलज गावचे सरपंच आदरणीय संतोषजी म्हात्रे यांचं इथे शुभ आगमन. 100 किंग मेकर, फक्त एका धावेची गरज. आणि यस, संतोष शेठ म्हात्रे यांचं स्वागत केलंय या चौकारानं. 100 किंग मेकर, सरपंच नितळस, संतोष शेठ म्हात्रे आपलं सहर्ष स्वागत, मोस्ट वेलकम. आपण ज्यांचा बॅनर पाहतो स्वराज्य चषकामध्ये, संतोष शेठ म्हात्रे सरपंच नितळस. आणि खरं तर गोल्ड मॅन, शेर की झलक सबसे अलग देखिए यहां से. डेफिनेटली संतोष शेठ म्हात्रे भरपूर आमचे जवळचे निकटवर्गीय. 100 किंग मेकर देखिए, 100 किंग. अभी अभी देखिए बात करेंगे नितलेश टूर्नामेंट को कंप्लीट किया, 1,00,000 जब फर्स्ट प्राइज की डोनेशन थी. यहाँ पर कहीं भी टूर्नामेंट लीजिए, यहाँ पर 100 किंग मेकर के देखिए उपस्थिति, बड़ा दिल है सर. रिबल सर बात करेंगे यहाँ से. नक्कीच नक्कीच, खरतर ज्या पद्धतीने आपण बघतो ना की प्रभाव दमदार असण्यापेक्षा स्वभाव दिलदार असावा, प्रभाव दमदार असण्यापेक्षा स्वभाव दिलदार असणं हे गरजेचं आहे. आणि ते प्रभाव दिलदार असणारे व्यक्तिमत्व संतोष शेठ म्हात्रे, नितळस गावचे सरपंच. अगदी आपण पाहतोय सोन्याने पूर्णपणे आज सोन्यासारखं मन.